आज है 20 मार्च 2024 और दिन है आज बुधवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 11:50 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी खजियार रोड के ऊपर स्नो पॉइंट पे। ये देखो बानी ट्यूब राइड करते हुए, वाह 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 वाह। आज डलहौजी खजियार रोड के ऊपर स्नो पॉइंट पर जो है ये टूरिस्ट स्नो एक्टिविटी का आनंद करते हुए। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ मार्च 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहां का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहां पर कितने ज़्यादा टूरिस्टों को घूमने के लिए आए हुए थे। तो चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं और सबसे पहले आज आप लोगों को हिमाचल प्रदेश डलहौजी से आज का मौसम दिखा देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो आज हिमाचल प्रदेश डलहौजी में सुबह से ही अच्छी तेज धूप निकली हुई है और बिल्कुल जो है ये साफ आज डलहौजी हिमाचल प्रदेश का मौसम है। तो सुबह के 9:50 हो चुके हैं और मैं हो चुका हूं बिल्कुल रेडी और अब मैं जा रहा हूं अपने गेस्टों के होटल की ओर। अब देखते हैं गेस्ट कितने बजे निकलते हैं। जैसे ही गेस्टों का फोन आएगा तो आज हम निकलेंगे डलहौजी से खजियार की ओर। सुबह के 10:08 हुए हैं और गेस्टों का फोन आ चुका है। सुबह के 10:08 हुए हैं और गेस्टों का फोन आ चुका है। आज तो किताबें लेके आए हैं। तो क्या है, पढ़ने वाली है या साइट सीन वाली है? पढ़ने वाली है। तो बोले वहाँ पे हमने उनको बताया कि पार्क है। अच्छा, पार्क स्पॉट है। तो बोले हम वहाँ बैठ के क्या, हम वहाँ पे बुक पढ़ेंगे। ये होटल में लाइब्रेरी है। अच्छा, कल रात को वहाँ से इन्होंने बुक्स ली। अच्छा, और चाहते सब वापस कर लेंगे। कौन सी किताब लाई? डलहौजी के बारे में की कहते हैं? नहीं, उनकी जो 10:24 हुए और हम पहुंच गए हैं बीजी पार्क देखने के लिए और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी बीजी पार्क देखने के लिए इतने टूरिस्ट जो है ये आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने बीजी पार्क घूम लिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज 10:40 हुए और हम लोगों ने बीजी पार्क घूम लिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज 10:40 पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो आइए आज बीजी पार्क में घूमते हुए, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे आ जाओ थोड़ा। चलो जी, घूम लिया बीजी पार्क। बच्चों को तो अच्छा है ये। हाँ, फोटो वोटो खींचने के लिए अच्छी जगह है, बट कुछ एरिया उन्होंने क्लोज करके रखा है, जैसे वो प्लेन वेन वाला प्लेन वाला एरिया क्लोज है, प्लेन वाले वहाँ से वो उसका नीचे का व्यू अच्छा है। काफी भीड़ है आज बुधवार के दिन भी। 10:52 हुए और हम बीजी पार्क देखने के बाद पहुंच गए हैं डलहौजी बकरोटा हिल व्यू पॉइंट। ये खरगोश वाले खड़े हैं? खरगोश वाले? हाँ, खरगोश भी हाथ में ले देंगे, कबूतर भी सिर पे बिठा सकते हैं। सेफ जैसे है? हाँ, सेफ है, सेफ है। वो टोपी लगा के ऐसे बिठा देगा हाथ पे, ऐसे खरगोश ऐसे हाथा करो हाथ पे बिठा देंगे। कबूतर 20 रुपए लेते हैं मुझे लगता पर हेड। 10:54 हुए और हम पहुंच गए डलहौजी बकरोटा हिल व्यू और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी बकरोटा हिल व्यू पॉइंट पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो है ये पहुँचे हुए हैं और ये है आज डलहौजी बकरोटा हिल व्यू पॉइंट से आज का नज़ारा। और पहली बार आए हिमाचल? शिमला मनाली कहीं नहीं गए हैं। चलो तो अभी क्या, अभी तो कल आए होंगे। हाँ, कल आए तो चलो अभी खजियार घूम लो, फिर औरों को भी बताना कैसे लगेगा, तो उधर के एमपी वाले को। चलिए ठीक है। एमपी कहाँ से हैं? इंदौर से। हाँ चलिए ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी, 11:17 हुए और हम लोगों ने डलहौजी बकरोटा हिल व्यू पॉइंट देख लिया है। अच्छा है फोटोग्राफर? हाँ, ये कैमरे भी होते हैं अच्छे और प्रोफेशनल भी है ना, तो व्यू वगैरह कैसे, तो सारे हैं एक थोड़ी इधर। हाँ। ये सारे फोटोग्राफर हैं ये। अच्छा 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 अच्छा। और फिर बोला कि जो सिलेक्ट होंगी वो ले लेना। अब उसने इतनी अच्छी खींची, मैं बोला मैं क्या सिलेक्ट करूँ, तो पूरी दे मुझे। अच्छा, पूरे का रेट बता। अच्छा अच्छा, उसमें भी उसने अच्छा खासा कम कर दिया। अच्छा, वो प्रॉब्लम वो फोन में ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। अच्छा अच्छा, कुछ तो फिर उसने
उसमें टाइम लग गया। तेरा फोन दे, वो व्हाट्सएप में उसने इमेजेस भेजा है, देख रही हूं। वो तेरे फोन में एक्चुअल कॉपी है। काफी टूरिस्ट है आज भी, सब चले गए आगे फटाफट। उतरना है स्नो पे नहीं। वो उधर जो खजिया रोड पे लक्कड़ मंडी के आगे, वहाँ अच्छी होगी, उधर अच्छी होगी, उधर कहेंगे नहीं। डैन कौन चलना है? नहीं, खजियार चलना है वाली, खजियार चलना है। चलो हाँ, क्या एक तो हाँ हुआ कुछ। वो बुक लेकर आई ना पढ़ने के लिए, हम कल इधर गए, कल हम गए थे इधर, अब हम जाएंगे। देखो ये बोर्ड लग जाते थे चेतावनी, लक्कड़ मंडी से खजियार तक भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन, इधर ही काला टोप का जाता है, ये भी पूछ लेते हैं इनको। हाँ जी, तो यहाँ हमको जाना है, यहाँ खुला है कि क्या, नहीं तो फिर पैदल चंबा नहीं जाएंगे, इधर चले जाएंगे। हाँ, ये पूरा घना फॉरेस्ट है ना, ये काला टोप बंद है कि खुला है? खुली गेरा, तो इसको देख लो पहले की वापसी में देखना है, ये खुला है, इधर चले जाएगी गाड़ी अंदर ना, घना फॉरेस्ट है ये, ये घना फॉरेस्ट है ना। देखो ये इतने पेड़ कहाँ मिलते हैं देखने के लिए आपको, देखो ये जब अंदर deep, जाएंगे अंधेरा हो जाएगा, डीप फॉरेस्ट में। तो और ऊपर जाके कल तो हमें पैदल जाना पड़ा उधर, तो गाड़ी चली जाएगी ना अंदर आके, तो ये देख लो ना फिर, नहीं है तो नहीं तो ऐसी ऐसी जगह पे रुक लेंगे थोड़ा सा, कहीं वापसी में रुकना हुआ तो उन्हें तो सीधा काला टोप, ये देख लो जैसे ये ढेर है जैसे, तो इसकी हाइट के साथ अगर बानी को खड़ा कर देंगे तो इसके सिर तक जाएगी हाइट, ये है बानी, बताइए चलना है तो सारे लोग है, देख ये है स्नो पॉइंट है, ऊपर तक हाँ हो गई, ये भगवान ट्यूब राइड, रात को फिर शाम को फिर यहाँ धूप नहीं रहेगी ना। हाँ, ट्यूब राइड भी कर सकते हैं आप इधर ना, ट्यूब राइड तो मुश्किल है। हाँ, पर कोई नहीं, सेफ होता है, वो रस्सी बांधी होती है ना उसको। अच्छा, दादी को फोटो नहीं दिखाना, दादी को बर्फ दिखाई थी, अरे तू नीचे खड़ रहा है, देखा इतना आपने लेक्चर कोई फर्क नहीं। वीडियो में रोते हुए आ रहे हैं आप, 11:47 हुए और हम पहुंच गए स्नो पॉइंट पे, और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी खजियार रोड के ऊपर स्नो पॉइंट के ऊपर जो आइए, इतने टूरिस्ट यहां पर घूमते हुए। ठीक है ठीक है भैया, वही हैं आओ हिमाचल का। हां जी हां जी हां जी, यस भाई, वीडियो बहुत देखते हैं भैया, आपकी वीडियो देख के आए, डेली तुम्हारे फैन है वीडियो के। कहां से आप? यूपी, यूपी से, गुड़गांव हरियाणा। चलिए ठीक है जी, खुश हो हैं ये आप लोग देखते हैं। आज डलहौजी खजियार के ऊपर एक स्नो पॉइंट तो बंद हो चुका है, और दूसरे स्नो पॉइंट पर जो है ये आज भी यहाँ पर ये स्नो एक्टिविटी हो रही है स्नो पॉइंट पर, इतने टूरिस्ट आइए यहाँ पर घूमते हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं 11:50 हुए हैं और मैं पहुँच गया हूँ डलहौजी स्नो पॉइंट के ऊपर, और इतने टूरिस्ट जो आइए आज यहाँ पर स्नो पॉइंट पर घूमते हुए, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज हमें डलहौजी खजियार रोड के ऊपर जो आइए इतनी बर्फ देखने के लिए मिली, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। भैया आपका ब्लॉग बहुत देख रहे हैं, कहाँ से आप? हम लोग कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से आ जाइए, हिमाचल घर घूमे ना, हिमाचल घर से घूम, कब आए थे? कल आए थे, अभी खजियार जा रहे हैं। चलिए तो अभी है ये 10-15 दिन तक, इसलिए आज अच्छा ही हुआ, बर्फ फिर शायद लेट गिरी है ना इस बार, इस बार इसलिए हम लोगों को मिला लक्ष्मी, एक महीना लेट है, एक महीना लेट है, एक दिन इनके साथ। कौन सा टेम्पो ट्रैवलर है? हां टेम्पो ट्रैवलर। अच्छा, छुपि तुल रे, जा जा जा, खुले तुल वाह आ जा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे तुल्ली, आपका डेली अपडेट हम देखते हैं भैया, इधर आपका देख के हम लोग। थैंक यू भैया, कल भी देखे आपका, कलकत्ता से कहां से आप? कलकत्ता से, वो थोड़ा अलग जगह पे है, वो मालदा से, वेस्ट बंगाल में मालदा, एक ऐसा जगह का ग्रुप है, अलग अलग फैमिली है, हम लोग फैमिली है। चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके चलो। कैप्टन कहाँ है हमारा? कैप्टन ट्यूब राइड का ट्रैक बनते हुए, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो आई है ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो आई है पूरे रोड पे यहाँ पर बर्फ देखने के लिए रुकी हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो आई है आज डलहौजी खजियार घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं पूरी रोड पर जो है ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, और आज हमें इतनी ज़्यादा बर्फ जो आई है आज स्नो पॉइंट पर देखने के लिए। ये देखो बानी ट्यूब राइड करते हुए, वाह 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 वाह, ये देखो
लोग देख सकते हैं आज डलहौजी फ्लाई ओवर के ऊपर स्नो पॉइंट पर जो है ये टूरिस्ट स्नो एक्टिविटी का आनंद करते हुए 12:07 हुए हैं और हम लोगों ने स्नो पॉइंट घूम लिया है और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे खजियार की ओर। फिर जाना है पानी को है तो फिर जाना है इसको तो फिर चले जाओ इधर से बिठा के खींच लेंगे ऊपर जाना है एक बार फिर महाराज महाराज जी महाराज महाराज खोलना है चलो जी ये था स्नो पॉइंट और बानी ने स्नो पॉइंट घूम लिया अब बानी करेगी पैराग्लाइडिंग। मुझे भी था ठीक है छोड़ो जो भी शक्ल दिखा दो कैसी है रो रही है क्या हंस रही है चलो जी 12:10 हुए और हमने स्नो पॉइंट भी घूम लिया और कैप्टन भी खुश हो गया हमारा देखो अब हंस रही है ना रोते हुए कौन घूमता है चलो जी गाड़ी गर्म हो गई है देखो मेरा फोन आपके पास है ये लो अब क्या करना है बानी को हॉर्स राइडिंग की पैराग्लाइडिंग ये पैराग्लाइडिंग पॉइंट बानी करना है पैराग्लाइडिंग नहीं चलिए ठीक है नहीं नहीं अब देखो नीचे जो पार्क है वो है खजियार उतर नीचे डीप वैली में जा रहे हैं वो जो है गाड़ियां खड़ी उसमें लैंड होता है ये ग्रीन लैंड हाँ वो पार्क है वो उसमें जाएंगे अब हम चलिए 12:30 हुए और हम आगे खजियार और देख लो यहाँ से लेके उधर तक सारी गाड़ियां है ये पूरी पार्किंग रोड के किनारे किनारे ना अच्छा तो यहीं से उतर जाओ फिर आप ना और यहीं पर आएंगे मिनी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है और इसके साथ ही नीचे वो खज्जी नाग मंदिर है अंदर ही फिर वो सामने बलून जैसा होता था उसका पूरा राउंड कर लेना ना और ये है फिर खाने के लिए ये वाला ऊपर चले जाना तो इसमें कर लेना लंच लुंच और फिर हॉर्स राइडिंग करेंगे तो कहाँ लेके जाता है क्या है तो अगर वो टेम्पल नहीं लेके जाएगा तो फिर गाड़ी से टेम्पल देख के फिर वापस लौट जाएंगे ना तो यहीं से उतर जाना आपने ये सीढ़ी है नीचे जाने के लिए ना फिर आराम से घूम लो फिर मुझे फोन कर देना 12:30 हुए और मैंने अपने गेस्टों को खजियार घूमने के लिए भेज दिया है ये आप लोग देख सकते हैं ये है आज खजियार का वेदर बिल्कुल जो है ये आज खजियार में अच्छी तेज धूप निकली हुई है और पूरे का पूरा जो खजियार का पार्क है ये टूरिस्टों के साथ भरा हुआ है और पूरी की पूरी जो पार्किंग है वो टूरिस्ट कारों के साथ भरी हुई है गेस्टों को मैंने अपने खजियार के पार्क में घूमने के लिए भेज दिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं ये आप लोग देख सकते हैं आज पूरे का पूरा जो खजियार का पार्क है वो टूरिस्टों के साथ भरा हुआ है इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो है ये आज खजियार में घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं ये आप लोग देख सकते हैं तो अभी मैंने गेस्टों को अपने खजियार के पार्क में घूमने के लिए भेज दिया है अब देखते हैं गेस्ट कब तक घूमकर वापस कार के पास आते हैं 2:35 हुए हैं और हम लोगों ने खजियार घूम लिया है किया हॉर्स राइडिंग अब तो खुश लग रहा चेहरा सेफ है ये इधर किसी को संभालना नहीं पड़ा हॉर्स राइडिंग पे तो कैप्टन की जिम्मेवारी बड़ी कम रही इधर है अभी चलना है जगदम्बे माता मंदिर क्या करें बेटे चले क्या उधर तब पीछे लौटना है और ये तो हमारा काला टोप की तरफ रास्ता सीधे ही चलते फिर नहीं जाना आगे क्योंकि टाइम जो 3 बज रहे हैं तो थोड़ा बर्फ में भी रुकना है अच्छा फिर रुकना दोबारा से बर्फ पे मुझे नहीं अच्छा चलो जी हॉर्स राइडिंग किया हां वीडियो बनाया हॉर्स राइडिंग के अच्छा उस पे तो नहीं लगा डर स्टार्टिंग में वो बैठते समय ना हां जब बैठते हैं तो फिर वो आदत नहीं है आदत नहीं मतलब पहली बार हां नहीं मैंने कि कब से स्टार्ट हुई है बस ये अच्छा देखते रहना अब बर्फ पे रुकना भी है अपने कहीं दो ही वाली जगह पे मेरे ख्याल से अच्छा स्नो पॉइंट पे रुकना है हां हां नहीं चढ़ेंगे ना पांव पकड़े रहेंगे अच्छा उसी जगह पे ना हाँ वही सही है अरे एक बार बोलना नहीं ना नहीं अच्छे से दे पहले जैसे बोल दी सारी बर्फ काली इसी गाड़ी ने की है मुझे लगता है जब उधर से आती होगी तो उधर धुआं जाता है इसका दे दिया रास्ता पहले बोल देते तो जल्दी देता रास्ता धन्यवाद रुकना है ना नहीं हो गया नहीं रिकॉर्ड हो गया 3 वोट एक तरफ हो गए अपनी जो जीतेगा वही है नहीं नहीं तू कार में बैठ बस अच्छा बस भी आ रही है पीछे से ना
इधर जल्दी उतर जाना, उतर जाओ, बस जैकेट ले ले, जैकेट ले लो, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। चलो जी एक बार फिर स्नो पॉइंट के मजे कर लिए, अब चलते हैं काला टॉप फॉरेस्ट रेंज में। चलिए जी 3:33 हुए और ये आ गया लक्कड़ मंडी। तो कल हम गए थे डैन कुंड ऊपर और आज जाते हैं अंदर काला टॉप। ये ना खुल जाएगा तो पर्ची लगेगी ना इसकी। तो ये भी अभी कुछ दिन पहले तक बंद ही था, ये बंद ही था, इनको पूछता हूँ वहाँ ये कब खुला है। और पूरी रोड है मतलब अंदर? हाँ ये पूरी यही रोड है ना, छोटी पतली होगी ना बिल्कुल। ये एक दाड़ी खुला था भला? अच्छा दो दिन आगे बर्फ है रास्ते की नहीं है, भी आगे होगी इसमें भी बर्फ ना, तो बंद था बर्फ की बार नहीं बंद था ये। ठीक है ये अब देखो अब जा रहे हैं हम घने फॉरेस्ट में। ये देखो अब जानवर, आप देखो ऊपर पेड़ को नीचे खड़े हो गए, आप देखो कि पूरी गर्दन पीछे मोड़ने पड़ेगी, इतनी हाइट है पेड़ों की ना। तो इसकी वजह से इसको काला टॉप बोलते हैं ना, कोई रोशनी नहीं आती। ये टॉप मोस्ट वो उससे कम हाइट है लेकिन इसकी ज्यादा से नहीं, ये जो डैन कुंड से, डैन कुंड से तो हाइट कम है। इसमें तो पैदल टहल सकते हैं इसमें आप, ये अलग अपने आप में मजा है। ये देखो तो ये ऐसे रोड पे थी ना बर्फ, तो इतनी सी तो रोड है मामूली, बहुत ही पतली रोड है, पतली। अभी इस पे आमने सामने आएगी गाड़ी, उधर से भी कोई आएगी तो फिर हमारा कैप्टन डांटेगा हमें, कहाँ ले आए गाड़ी, अब कैसे देंगे रास्ता। ये देखो अच्छी है बर्फ, इधर भी खेलना है तो। चलो जी 3:54 हुए और हम आगे काला टॉप। अब यहाँ से आप अंदर चले जाना अच्छा, फोटो फोटोग्राफी के लिए अच्छा। अंदर वो है, ये 1925 का रेस्ट हाउस है अंग्रेजों अच्छा। के टाइम का। और ये आगे इसकी हाइट 2480 meters और 8000 feet अच्छा। अंदर चले जाओ ठीक है, कोई डर नहीं, अंदर आराम से जाके आ जाओ, फोटो फोटो निकालो। अंदर लास्ट में कंटीन है हाँ। अभी तो आप खाए नहीं, तो उधर पकोड़े खाते चोटी पे बैठ के तो और मजा आता। आप चल रहे हो? चलो मैं आता हूँ थोड़ा पहले, इसको साइड पे लगा के। ठीक है, लोकल में बोलते इसको दियार, हिमालयन सीडर। हाँ सीडर सेंट्रस दियोदारा, 1925 100 साल पुराना घर है ये, वो लिखा हुआ है यार देखो। बस ये पार्क है आगे, एडवेंचर एक्टिविटी और लास्ट में कंटी ले लिया आपने हिमाचल। नहीं तो उससे वो लिया कुछ दूसरी चीजें ली, फिर वापस करना है ये, तो वो बोला सर आप इसको यूज कर लो वापस दे देना। अच्छा चलिए ठीक है, चंबा कैब मिल गया फोटोग्राफी के लिए थोड़ी देर के लिए। 4:50 हुए और हम लोगों ने काला टॉप घूम लिया है, यहाँ पर चाय वगैरह पी ली है। अब हम लौट रहे हैं वापस अपनी कार की ओर, और ये आप लोग देख सकते हैं ये है आज काला टॉप से आज का व्यू। 4:55 हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं काला टॉप से वापसी की ओर। थैंक यू पापा। आया इधर कुछ पसंद? हाँ लिया ना। अच्छा बहुत बहुत कुछ ये मैंने अपने लिए लिया। गेस्टों को मैंने थोड़ा सा काला टॉप का ट्रैक करने के लिए उतार दिया है, आगे तक ही आ जाओ ना उधर तक, फिर वो पार्क जैसा है तो इसके आगे दिख जाएगी गाड़ी फिर खड़ी। हाँ 5:08 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को थोड़ा सा काला टॉप का ट्रैक करने के लिए रास्ते में उतार दिया है। चलिए 5:24 हुए और हमने काला टॉप में सैर भी कर ली थोड़ी, ऐसा लगा काला टॉप बहुत बढ़िया अच्छा। अलग चीज है तो यहाँ वॉक करने आओ, ट्रैक करने आओ, वॉक करने आओ, बस गर्मियों में तो सबसे बेस्ट है ना। अभी तो ठंड लग जाती है ना, गर्मियों में तो एसी से भी ज्यादा ठंडक होती है इधर। 12 ये देखो बंद हो गया है, 5 बंद हो जाता है ना ये। अच्छा अब नहीं मिलेगी किसी को अंदर, अंदर नहीं आने देंगे, खोलेगा आ जाएगा कोई ना कोई। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ये कि अगर काला टॉप जाना तो पैदल ही चल के जाए, देखो लिखा है ना ये। सर्विस पैदल शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ नहीं शुल्क तो चलो कोई भी दे देगा, पर लोग शुल्क इसलिए देते हैं कि चलना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, पर मजा नहीं, गाड़ी से जाएंगे तो अभी थोड़ा टहले ना आप इधर, तो समझ आई ना टूरिस्टों को, तो तभी समझ आएगा जब वो पैदल जाएंगे। हमने 3 रास्ते कवर कर लिए यहाँ से, ये वाला भी, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। और लेट होते तो सनसेट दिखता, क्योंकि अभी हाइट पे थे ना, इधर कोई पेड़ पौधा नहीं है, अभी तो टाइम है, अब दिन थोड़े बड़े हो गए हैं ना, इधर से पूरा दिखता इधर से। चलो जी
मिनट हुए और हम आ गए वापस माल रोड, ये जाता है पंचपुला नीचे। फिर क्या करें, होटल ही? हाँ होटल है ना। ये थी इधर चर्च, एक ये और एक उस चौक पे थी सुभाष चौक वाले ना, तो ये तो बस स्टैंड जा रहा है ना, वो ऊपर सुभाष चौक। अच्छा, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अभी आपने फिर जाना है ऊपर की क्या करना है? अभी तो ऊपर ही जाते हैं, देखते हैं इसको क्या ना फिर छोड़ के मैं इधर रुकूंगी क्या करूँ? नहीं आऊंगे ना, फिर आप आज एंड ही करते फिर। अच्छा, तो सुबह कितने बजे का? सुबह कॉल करता हूँ मैं, आइडिया थोड़ा बहुत ना, फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो 10 से पहले तो नहीं निकलेंगे? 10 से पहले नहीं निकलेंगे ना। ठीक है जी, ठीक है। 6:04 हुए और मैंने अपने गेस्टों को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।